सब्सक्राइब करें किटी की पहली चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज है 31 दिसंबर 2018 और कल है 1 जनवरी 2019 यानी कि साल का पहला दिन। तो दोस्तों आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आप नए दिन मतलब कि 1 जनवरी को क्या क्या रिजोल्यूशंस लेते हैं, आप ये सब मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आई हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हूँ जिनके बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ किट्टी और स्वागत है आप सभी का किट्टी की पहेली इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहला न्यू ईयर बेबीलोनियन लोगों ने करीब 4000 वर्ष पहले बनाया था। क्या आपको पता है न्यू ईयर के दिन करीब 1 अरब लोग टीवी देखते हैं। दोस्तों चीन में न्यू ईयर की डेट हर साल बदलती रहती है। चीन में न्यू ईयर की डेट होती है 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में। क्या आपको पता है दुनिया में करीब 61% लोग इस दिन प्रेयर करते हैं और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 4% लोग इस दिन बाहर घूमने जाते हैं। दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था, इस दिन मतलब न्यू ईयर के दिन जो भी लोग सबसे पहले किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को देखते थे तो वो अनजान व्यक्ति उन लोगों को कुछ बद्दुआएं या फिर दुआएं देता था। तो फिर इन बद्दुआओं से बचने के लिए तब से सब लोग न्यू ईयर अपनी फैमिली के साथ ही बनाना पसंद करते हैं। तो वो लोग नहीं चाहते कि हम किसी अनजान व्यक्ति या किसी अनजान इंसान से मिले और ताकि हमें दुआ या फिर बद्दुआ कुछ भी मिले, इसलिए सब लोग ज़्यादातर फैमिली के साथ ही न्यू ईयर बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों स्पेन में यह ट्रेडिशन है कि न्यू ईयर के दिन पूर्व संध्या की आधी रात को सब लोग अंगूर खाने बाहर जाते हैं, ये स्पेन में ट्रेडिशन है। दोस्तों न्यू ईयर पर जो ये गिफ्ट देने का ट्रेडिशन है ये शुरू किया था रोमन ने शुरू किया था न्यू ईयर की पूर्व संध्या के दिन। दोस्तों तब से ही न्यू ईयर पर गिफ्ट देने का जो ये चलन है चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों साल के लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर को कई देशों में सेंट सिल्वेस्टर डे भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं यूएसए के बेकर आइलैंड में न्यू ईयर का वेलकम सबसे लास्ट में किया जाता है। इसका मतलब है वहां पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन सबसे बाद में होता है। दोस्तों जनवरी साल का फर्स्ट मंथ होता है। जनवरी का नाम भगवान जूनस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग भगवान जूनस के दो मुंह थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। दोस्तों 1 जनवरी को यानी कि नए साल के पहले दिन नेशनल हॉलीडे सबसे पहले रोम में हुआ था। और आपको यही बता दूं दोस्तों न्यू ईयर का पहला सेलिब्रेशन 23 मार्च 2000 में हुआ था। दोस्तों नए साल के दिन सब लोग अलग अलग रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन रिजोल्यूशन है जो मोस्टली लोग लेते हैं वो है अपना वेट लॉस करना। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन रिजोल्यूशन है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ बातें, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ये कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने न्यू ईयर के दिन क्या रिजोल्यूशन लिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू व्यूअर्स।